कल बुद्धिजीवी यह चाहता है कि परंपरा के नाम पर अब ये खूनी तमाशा बंद होना चाहिए, लेकिन नशे में चूर इन उन्मादी खिलाड़ियों की जोश के सामने प्रशासन भी नतमस्तक हो जाता है और मुग्धदर्शक बनकर तमाशा देखता रहता है। हजारों की तादाद में मौजूद पुलिस फोर्स और प्रशासन के आला अधिकारी इसे रोकने की बजाय सिर्फ खून खराबा कम करने और चिकित्सा व्यवस्था करने में लगे रहते हैं, लेकिन यह उन्माद है कि रोकने का नाम नहीं लेता है। धर्म के नाम पर खेले जाने वाले इस बर्बर खेल में खुशियों का कोई स्थान ही नहीं है, अगर है तो सिर्फ बर्बादी। बर्बरता की प्रतीक संसार में अपनी अलग छाप छोड़ने वाले विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेले में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की पांडुनाथ तहसील में मंगलवार 7 सितंबर को जमकर पत्थर चलेंगे। यहाँ परंपरा के नाम पर खूब खून खराबा भी होगा। सबसे बड़ी बात कि इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन खुद प्रशासन करवाएगा। पिछले कई वर्षों में पत्थरबाजी के इस खेल में 13 लोगों की जान जा चुकी है। बावजूद इसके पांडुना के लोग इस जुनून को छोड़ने तैयार नहीं है। प्रशासन ने इस खेल को बंद करने लाख जतन किए, लेकिन प्रशासन के सारे अरमानों पर साल दर साल पानी फिरता गया। इस जुनून को कोरोना का भी बैन नहीं रोक पाया था। पिछले साल भी प्रशासन के प्रतिबंधों के बावजूद यह पत्थर चले थे। इस वर्ष भी प्रशासन के प्रयासों के बाद भी जब लोग नहीं माने तो मेले की अनुमति प्रदान करनी पड़ी। हालांकि यह हर वर्ष धारा 144 लगा दी जाती है, लेकिन वह केवल रस्म अदायगी होती है, उसका कोई प्रभाव यह देखने को नहीं मिलता। पांडुना के लोग इस खेल को गोटमार कहते हैं। गोटमार में पुलिस और प्रशासन के सामने लोग एक दूसरे को पत्थर मारकर घायल करते हैं। अब देखना है कि इस बार गोटमारी में कितने घायल होते हैं। कलेक्टर सौरभ सुमन ने बताया कि गोटमार के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। अवैध शराब और पत्थरों की जमावड़े पर भी नियंत्रण रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। हम लोगों के द्वारा वहाँ पांडुना में जाके शांति समिति की बैठक की गई थी इस मेले के लिए स्पेसिफिकली, और वहाँ ये शांति समिति के द्वारा निर्णय लिया गया कि शांतिपूर्ण तरीके से मेले का आयोजन किया जाएगा। इस प्रकार से गुटमार मेले में लोग उसको मनाएंगे ताकि लोग घायल ना हो, हताहत ना हो, और इसके बाद भी यदि कुछ घटनाएं घटित होती हैं तो उसके लिए हम लोगों ने वहाँ पे मेडिकल कैंप्स वगैरह की पूरी व्यवस्था की है, एम्बुलेंस की व्यवस्था की है। आप लोगों के माध्यम से हमारी अपील है वहाँ के जन से कि पूर्व की भांति इसको बिल्कुल सुरक्षित तरीके से गोटमार मेले का आयोजन करें और कोविड प्रोटोकॉल का भी संपूर्ण रूप से वहाँ पालन करें। सर, आयोग के क्या निर्देश हैं? निर्देश यही है कि उस प्रकार का मेला जिसमें किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की संभावना है उसको सावधानी पूर्वक मनाया जाए, और उसमें पत्थरबाजी और बाकी तरह का की जो गोफन वगैरह करने की चीज़ें होती हैं उसको ना किया जाए, इसी की समझाइश प्रशासन द्वारा भी दी गई है और इस संदर्भ में धारा 140 के तहत आदेश भी जारी किया गया है। दरअसल हर वर्ष पोला पर्व के एक दिन बाद जिले के पांडुना और सावरगांव के बीच जाम नदी के किनारे एक मेला लगता है जिसे लोग गोटमार मेले के नाम से जानते हैं। इस मेले में लोग एक दूसरे को पत्थर मारते हैं और खून बहाते हैं। प्रशासन ने इस खून खराबे को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन लगभग 140 वर्ष पहले की यह परंपरा आज भी नहीं बदली। कोटमार की यह परंपरा एक प्रेम कहानी से जुड़ी है। इस प्रेम कहानी से आज कोटमार परंपरा बन गई है। इस परंपरा से जुड़ी एक किंवदंत है, कहते हैं कि यह दो गांव की दुश्मनी और प्रेम करने वाले युगल की याद में शुरू हुई। सावर गांव की लड़की थी और पांडुना का लड़का, जो एक दूसरे को प्रेम करती थी। एक दिन लड़का लड़की को लेकर भाग रहा था और जाम नदी को पार करते समय लड़की पक्ष के लोगों ने देख लिया, फिर पत्थर मारकर रोकने की कोशिश की। यह बात लड़के पक्ष को पता चली तो वह उन्हें बचाने के लिए लड़की वालों पर पत्थरबाजी करने लगे। हालांकि प्रेमी प्रेमिका कौन थे वो आज तक किसी को पता नहीं चला। तब से लेकर आज तक यह परंपरा चली आ रही है। अगर मेले की बात की जाए तो सैकड़ों लोग अपंग हो चुके हैं, 13 लोगों की पत्थर लगने से मौत हो चुकी है, फिर भी बराबर हिंसा से भरा मेला नहीं रुका। यहाँ हर व्यक्ति आस्था के नाम पर शराब पीता है और इंसानियत भूल जाता है। इसमें धर्म जैसी कोई चीज दिखाई नहीं देती। कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं। प्रशासन भी चाहता है यह मेला बंद हो जाए। एक बार यहाँ पत्थरों की जगह गेंद को भी प्रशासन ने रखा, लेकिन लोगों ने पत्थर से ही खेल खेला।
इस बार भी इस खूनी खेल में किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, इसलिए प्रशासन ने 500 से ज्यादा जवानों की तैनाती की है। हालांकि इस खूनी खेल को बंद करने के लिए प्रशासन हर बार कदम उठाती है, लेकिन परंपरा के नाम पर लोग इसे बंद करने की सोचते भी नहीं है। इस बार फिर दुनिया की अनोखी परंपरा मंगलवार 7 सितम्बर को यहाँ निभाई जाएंगी। BCN न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से चंद्रशेखर, शुक्रवार की रिपोर्ट।